अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी सेकंड वीडियो है इस चैनल के ऊपर और ये व्लॉग की है। आज की मेरी वैसे जो मेरी मोस्टली डेली रूटीन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और उस हिसाब से अभी नहा धो लिए और फ्रेश हो गए। ये अभी पर्सनली मैं फ्लैट पे हूँ और डिस्पेंसर से याद है कि ऑफिस अभी न्यू सेटअप किया है, डिस्पेंसर भी लेना है, जिसकी वजह से अभी मुझे इस तरीके से कुछ चीज़ों को लेके जाना पड़ता है, पानी कुछ इधर से। और क्योंकि न्यू जब स्टार्टअप होता है, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिसमैच होती हैं, तो उस हिसाब से ये बाकी दिखाने इतनी है, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो योर फैमिली, तो मुझे इस चीज़ से कोई हेजिटेशन नहीं होती कि अगर आपको मैं कोई अपनी पर्सनल चीज़ें दिखाऊंगा। तो ऑल्सो आई एम इन माई बैचलर लाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। ये परफ्यूम है, ये गंगा, बस ऑफिस में वैसे मैंने सोचा ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी मीटिंग होती है किसी से अचानक बाल ठीक ना हो, मैं सुनता हूँ आपको पता अनप्रोफेशनल से लगता है। तो बाकी तुम पहले वॉलेट, और बाकी ये मेरा फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ। इस कमरे में तो नहीं रहता, मैं तो उस कमरे में ही रहता हूँ और वो भी अभी इतना साफ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आपको उसका भी जो है वो दिखाएंगे, कोई मसला नहीं। क्योंकि साथ साथ जिस तरह मैं व्लॉगिंग करता रहूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। और इसको बेसिकली मैंने स्टूडियो के लिए भी सेटअप किया हुआ था, आप ये देख सकते, मतलब इधर मैंने अपना स्टूडियो के लिए सेटअप किया था रिसेंटली, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेटअप बना लिया और वो उधर है पड़ा। ऑफिस कंप्लीट सेटअप कर रहे हैं, मज़ीद भी चीज़ें जो सेटअप कर रहे हैं, मज़ीद आपको मैं ऑफिस में चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरी डेली रूटीन, मेरी डेली जो डील्स होती हैं, या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों के सामने आप जो वीडियोज़ हैं वो बनाऊँ, मतलब जितनी मेरी डील्स होती हैं, इस तरीके से आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरा काम क्या है, मैं करता क्या हूँ, मैं किस तरीके से जो मेरी वे ऑफ वर्किंग है वो क्या है। और चलते हैं जी वीडियो की, बढ़ते हैं अपने ऑफिस की तरफ। रात मैंने कोई वीडियो शीडियोज बनाए थे और ये देखें जी, बैकअप जितना भी होता है ना कोई चीज़, जब बंदा स्टार्टअप करता है, ये मैंने वीडियो शीडियोज के लिए कोई रात सेटअप किया था, मेरे पास दूसरी स्टैंड है वो भी ख़राब हुई पड़ी है। रात को मैंने तकरीबन वीडियो शीडियोज जो शूट की थी इधर, वो देखें बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। इधर आप देख लें कि बेसिकली जितना भी स्टार्टअप होता है उसका लोग फ्रंट एंड पे कुछ और दिखा रहे थे, लेकिन जो स्ट्रगल होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो लोग नहीं शो कराते। तो इधर जब इस चीज़ से आइडिया लगा लें कि मेरे पास अगर स्टैंड नहीं थी, तो मैंने कब बगैर इस चीज़ के रोने धोने कि मेरे पास इसकी जो स्टैंड है पड़ी, लेकिन ये कि नीचे से वो टूट गई है, तो मैंने कहा इस चीज़ से बेहतर है कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो भी चीज़ें हैं उसको स्टार्ट करके, सम अप करके, जो मैंने एक चीज़ें टारगेट बनाई हुई है उसको डेली बेसिस पर कम्प्लीट कर लिया। तो ये बुक भी पड़ी हुई है एटॉमिक हैबिट्स, ये मोस्टली मैं पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जो मेन हैबिट्स हैं जो आपको डिसिप्लिन की तरफ बुलाती है और कंसिस्टेंसी की तरफ, बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड ग्रोथ के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता रहूँगा। और बाकी ये छोटा सा एक सेटअप है जो कि अब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसको एग्जीक्यूटिव रूम भी बनाना है और मज़ीद भी इधर टीम बिठानी है, जो कि सेल्स की ओनली फीमेल स्टाफ ही मेरा माइंड है उनको बिठाऊँ, ताकि मेल जो है वो उसके अंदर कुछ रियल स्टेट में जो मिसमैच कर देते हैं, तकरीबन कोई डील बाहर से कर लेते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था जी, अभी इसको थोड़ा सा मैं सम अप कर लूँ, बल्कि एक दो वीडियो शूट कर ले, तो मैं वीडियो देखता हूँ जितनी मेरे से बनती हैं। ये मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो मैस हुई पड़ी हैं, थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लेते हैं और वीडियो शूट करके मैं मज़ीद फिर आपसे मिलता हूँ। जी हमें कुछ कल गिफ्ट मिले थे हेड ऑफिस की तरफ, सोसाइटी की तरफ से, ये रूडन क्लब हाउसिंग सोसाइटी है, इसकी तरफ से कुछ गिफ्ट मिले थे। सबसे पहले तो है जी जय नमाज, इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है रमज़ान में, एक अपने जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, कंसल्टेंट हैं, रियल इस्टेट कंसल्टेंट हैं, डीलर्स हैं, उनको आप इस तरीके से एंगेज रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये है जी इसके अंदर एक और तस्वीर, और तस्वीर जो है वो मैं मोस्टली डिजिटली यूज़ करता हूँ, और ये तस्वीर है ये, बल्कि मैंने सोचा ये गिफ्ट दे देंगे घर में, और क्योंकि मैं तस्वीर जो है वो फिज़िकली हाथ में यूज़ नहीं करता मोस्टली, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम दिखावा ही कर रहे हों, अगर यूज़ भी करनी है तो डिजिटल कर लें वो उसके ऊपर, ठीक है। ये ऐसे ये है जी, चीज़ मुझे बहुत अनोइंग लगती है इस ऑफिस के अंदर, वह है जी इसके बैकग्राउंड में इतना कोई बुरा लगता है कसम से, क्योंकि मैंने जिससे ऑफिस लिया था ऑलरेडी, ये जो शीट्स हैं बैकग्राउंड की पीवीसी शीट्स, ये ऑलरेडी लगी हुई थी, तो मुझे बैकग्राउंड की शीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें उसको चेंज नहीं कर सकते सेटिंग को, तो टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है, तो उस हिसाब से बस
मैंने कहा ठीक है जिस तरह भी है ठीक है। फिर मज़ीद जो उसकी रेनोवेशन है वो कम्प्लीटली एक अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह, जो कि कम्प्लीटली इसका सारा का सारा सेटअप चेंज कर लेंगे। और वो मेरा प्लान है नेक्स्ट इंशाल्लाह, वो मैं साथ साथ वो भी आपको अपडेट करूँगा। पहले की वीडियो शूट हो गई है और देखें आप किस तरह मैंने कम्प्लीट जो है वो लाइटिंग देखें। और रात को यार मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसके अंदर जो लाइटिंग है वो इतना मज़ा नहीं आया, वो यहाँ पर बिल्कुल शेडो आ रहा था तो मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा दोबारा एक वीडियो बना रहे थे। अब देखें ना, अब इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि यहाँ से येलो शेडो, यार बैकग्राउंड कसम से बहुत अनाइंग लगता है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि दिल करता है कि एक मिनट पे उखाड़ दूँ, लेकिन ये है कि फिर काम जो रुक जाएगा, फ़ायदा नहीं है ऐसा काम करने का। तो वीडियो शूट हो गई है जी, और मज़ीद अब फाइल फ्लैट पर भूल गया, फाइल साथ ही रात में ले गया था। और मज़ीद देखते हैं जी, कुछ और परचेजिंग करनी है आज, मैं निकलता हूँ आज परचेजिंग करते हैं। निकलना तो कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि दोस्त हैं सब इधर जाने वाले, तो आज एक और परचेज़ करनी है फाइल, तो वो फाइल परचेज़ करते हैं और फाइल परचेज़ करके देखते हैं जो उसको हेड ऑफिस में क्लोज कर। अच्छा, मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा था, ये जो हेड ऑफिस की मैं बात करता हूँ ना, ये हेड ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी का हेड ऑफिस है, मेरा हेड ऑफिस नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये जो ऑफिस मतलब ये जो दिलावर है इसको हेड ऑफिस है, नहीं, मेरे अपने है अलहमदिल्ला omens.com के नाम से, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो हाउसिंग सोसाइटी का हेड ऑफिस है। और उस तरीके से जितनी भी हेड ऑफिस है उनको हम हेड ऑफिस भी कहते हैं, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज के हेड ऑफिस है। चले जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते हैं, निकलते क्या है बल्कि फाइल उठाते हैं और उसको देखते हैं क्या करना है। और दूसरा देखते हैं जी, इसका साथ में लेके एक फाइल लेनी थी आज। ये कंप्लीट जर्नी मैं अपनी दिखाता रहूँगा, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कमेंट्स करें ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मुझे लगे कि हाँ ये जो चीज़ है लोगों को पसंद आ रही है, तो मज़ीद इस चीज़ को मैं मूव करने की कोशिश करूँगा। कल एक क्लाइंट था जिसकी मैंने फाइल ली थी और 10 मरले की, वो भाई कह रहे हैं कि जी अभी ये जो फाइल है आप इसको सोल्ड आउट करा के दें मुझे, वो मैंने ले ली थी। तो करते हैं जी उसका सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं, मार्केट जो है वो बहुत डाउन है और उस हिसाब से कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन ये कि निकल जाते हैं चीज़ें, हर किसी का अपना वर्किंग करने का तरीका, मैंने अपना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ रुकती नहीं है। इसको भी निकालेंगे, फाइल परचेज भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे, क्लाइंट के नाम भी करनी है, वो चीज़ें करेंगे, सब चीज़ सब प्रोसेस में इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो मेरे ख्याल में लंबी तो हो जाएगी लेकिन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी सीरीज। अब जी सारा थोड़ा सा मैच जो है वो ठीक ही है, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो सही हो, तो बाकी निकलते हैं जब भी फाइल के लिए और लेते हैं परचेज़ करते हैं फिर। ऑल्सो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो रूटीन के हिसाब से देखें, जब अपना प्रॉपरली घर या किचन का सेटअप ना हो तो नहीं हो पाते। अब एज अ बैचलर लाइफ जो है मेरे पास तकरीबन खाना पकाना तो कुछ आता ही नहीं है, बट ये है कि बाहर के जो चीज़ें हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, और कोशिश करते हैं कि रोज़े को ना डिले करें। और कल रात भी सोया हुआ था मैं, अलार्म भी लगाया हुआ था कि उठता हूँ उठ ही नहीं पाया, और टाइम देखो तो फिर फजर का ही हो गया। और उसके बाद अभी रोज़ा तो आज नहीं रखा, कल से इंशाल्लाह रोज़ा भी रखेंगे रात से इंशाल्लाह। ऐसे भी ऑफिस से तकरीबन 2 बजे निकलता हूँ मैं, और 2 घंटे और बैठ जाएंगे बल्कि सैरी के लिए चले जाएंगे। और बाकी आज जो भी चीज़ें हैं अपडेट वो साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी जुम्मे के लिए निकलते हैं, मज़ीद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। चले जी, जा रहे हैं आप नमाज़ पढ़ने, और मिले हमें मज़र भाई, जो कि स्टार्टिंग डे से ही मैं इंडस्ट्री में आया तो साथ ही थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी साथ हैं, काम कर रहे हैं प्रॉपरली, और इनके साथ मेरी वैसे ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में। अब पढ़ते हैं सीधा नमाज और मिलते हैं आपसे। उनको साथ लेना। चलिए, जुम्मे पढ़ लिए और उस टाइम थोड़ी जल्दी थी, और मदर भाई आपने स्टार्ट लिया रूडन से, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस है आपका, तो आपने इस सारी जर्नी को ऐसे 2 लाइंस में आप अगर आपने कोई सक्सेस की डेफिनेशन को सम अप करना हो तो किस तरीके से आप करेंगे? थैंक यू दिलावर भाई, सबसे पहले तो ये है कि यार जो आपने सवाल पूछा इस पे 2 चीज़ें और 2 लाइंस बड़ी इम्पोर्टेंट है, वही आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा ताकि चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। एक तो ये है कि जहाँ पे भी काम करें वहाँ पे आपकी जो है ना वो विल पावर मजबूत होनी चाहिए।
मतलब ये कि इरादा आपका पुख्ता होना चाहिए, इस्तकामत होनी चाहिए कि जो काम कर रहा हूँ मैंने लंबे अरसे के लिए करना है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म वाले या शॉर्ट टर्म के जो आप चक्रों में होते हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि स्ट्रगल, ठीक है, आप अपना एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट के पीछे लग जाए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सक्सेस अचीव की है वो लोग तो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, बाकी जो लोग इस जर्नी में हैं वो भी कर सकते हैं। और बाकी मजीद अदरवाइज एक डील चल रही है वो अलग रहे, हो जाएगी चले, हिम्मत करे तो हो जाएगी। हिम्मत क्या, रेट आप डन करें ना यार मेरे से। मैंने फाइल परचेज करके दी थी मदर भाई को, मुझे वो चाहिए, तो बस चले देखते हैं क्या बनता है, लेकिन हो जाएगी। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह। नमाज पढ़ ली है, अभी आए हैं, और मैंने कहा कुछ दो सैंडविच और एक रोल पकड़ लिया ताकि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाए शाम तक। और शाम तक जो है वो जितने भी होटल है वो बंद ही हैं, और मेरा तो रोज़ा नहीं है, आपका होगा, वीडियो स्किप कर दें काइंडली। और बाकी शाम को जो है फिर इफ्तारी टाइम मेरा मोस्टली जो होता है सेवर फूड ही होता है। और बस मिलते हैं जी आपसे फिर। फाइल कौन सी, सात मर लगी, सात मर लगी आ रही है। अभी जी आप टाइम देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा 2:13, बिल्कुल थक गया हूँ, और जितना काम करना था, अपलोडिंग करनी थी वीडियोज़ की, जो चीज़ें करनी थी वो एंड हो गई है, कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं। बस अभी सहरी के लिए कुछ करते हैं, सोने का तो टाइम नहीं है, 2:00, फिर घंटे तक भी रुकना पड़ेगा, फिर आपको पता है सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। और बाकी ये थी जी आज तक ये अपडेट, आज तो मतलब अभी की ये मेरे दिमाग में बिल्कुल सुनना पड़े, अभी की ये अपडेट। और मज़ीद जो है मिलते हैं किसी नए और व्लॉग में। ये चीज़ व्लॉग तभी बनाऊंगा जब आपका इंटरेस्ट होगा, जब आप लाइक शेयर करेंगे, इस तरह आपको पता है थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। और बाकी आता रहेंगे, व्लॉग भी आते रहेंगे टाइमली। और आज की जितनी भी मेरे से जो जो एक्टिविटी है मैं वो प्रॉपरली शो नहीं कर सका, और अभी भी तकरीबन कुछ क्लाइंट्स की अमाउंट्स अपडेट कराना, कुछ चीज़ें वो भी मैंने कराई, जिसकी वजह से वो भी मेरे माइंड में ही नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि जल्दबाजी में कि वीडियो शूट बनानी, और आपको पता है थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा लगता है कैमरा उठा के बिल्कुल हर जगह पे, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। बट ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी मैं ये चीज़ें बनाऊँगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है मुश्किल ही। खैर कोई मसला नहीं, और मज़ीद मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। ये थी जी आज तक की इतनी सी एक अपडेट जो कि मेरी लाइफ रूटीन में डेली होती है। जज़ाकअल्लाह।